नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास पे आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक नई लेशन। लेशन का नाम है नीलकंठ। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी थी ये लेशन। अत्यंत बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक का मतलब इंटरेस्टिंग ये लेशन है। लेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको महादेवी कुमार से उस दुकान में चिड़िया के बच्चों को देकर गए थे। चिड़ी मार यानी कि हंटर कहते हैं अंग्रेजी में। हंटर ने वो चिड़िया के बच्चे को मारा तो नहीं था, मतलब वो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे को पकड़कर उस चिड़ी मार के दुकान में, चिड़ी मार ने चिड़ी मार दुकान में दे रखा था। और महादेवी वर्मा जब स्टेशन से आ रही थी तो उनकी नज़र, क्योंकि वो पशु पक्षियों के प्रति उनका बहुत ही प्रेम था, बहुत ही प्यार था, तो उनकी नज़र, जैसे हम होते हैं, कोई किसी को होता है कि कपड़ों पे नज़र जाती है, तो दुकान में गए तो सबसे सुंदर सुंदर ड्रेस पे नज़र जाती है, किसी को जूते पर जाती है, किसी को बैग पर जाती है। उसी तरह महादेवी वर्मा जी को भी पशु पक्षियों के साथ अथाह प्रेम था, बहुत ही प्रेम करती थी। तो उनकी नज़र उस चिड़िया की दुकान पर चली गई और वहाँ उन्होंने उस दुकान से उन्होंने 35 रुपया यानी कि 35 रुपीज़ से वो छोटा जो मोर के बच्चे था, लोग तीतर कहते थे, तीतर के बच्चे यानी कि ये मोर नहीं है, ये तीतर है, इस तरह से बहुत सारे शब्द कहा था महादेवी वर्मा ने। तीतर हुआ तो क्या हुआ, उनका प्रेम देखो, तीतर हुआ तो क्या हुआ, आखिर चिड़िया ही तो है, तीतर भी। के बाद उन्होंने अपना जो कमरा होता है पढ़ने लिखने के कमरे में उस पिंजरा को रख दिया। और चूहदानी से, जैसे पिंजरे से वो निकलकर कमरे में जब आने लगे तो महादेवी जी का कमरा का घोसला घर जैसा हो गया। कभी टोकरी पे रहते थे, कभी उनके माथे पे आके बैठ जाते थे, मतलब बहुत ही चंचल थी। इस तरह कभी अलमारी के पीछे लुका छुपी करते थे। थककर उन्होंने रद्दी कागजों की टोकरी में अपने एक नए बसेरा का गौरव प्रदान किया, यानी कि महादेवी वर्मा ने एक टोकरी में, उनके डस्टबिन में उनकी जो अनचाहे कागजों को रखा करती थी, उसी कागज के ऊपर उनका अपना घोंसला बना लिया, यानी कि बसेरा, यानी कि वहाँ बैठने लगे। 2-4 दिन में वे इसी प्रकार इधर उधर गुप्तवास करते हुए रात में उसी रद्दी टोकरी पे आके बैठ जाते थे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर वो कभी मेरे मेज पर, यानी कि कभी महादेवी जी वर्मा के टेबल पर आके बैठ जाते थे, कभी दरवाजे पर निरंतर बैठते थे, दरवाजे पर आके बैठते थे। दरवाजे में निरंतर बंद रखना पड़ता था, खुला रहने पर, दरवाजा अगर खुला रख दिया तो बाहर चित्रा बैठी हुई थी, यानी कि महादेवी वर्मा ने हर पशु का एक एक नाम रखा था। और वो भी उन्होंने उनके व्यवहार के ऊपर, व्यवहार के ऊपर रखा था, जैसे कुब्जा भी रखी हुई है, पर बिल्ली का नाम था चित्रा। और वो जब मोर ऐसे ऐसे बड़े होते जा रहा था तो चित्रा को वो बाहर खड़ी देख रही थी। वो सोच रही थी कि मेरे घर में ये नया मेहमान आके अपना सब कुछ, मेरा सामान सब कुछ उलट पलट कर रहा है, ये कौन मेहमान है। इस तरह की उसके अंदर में फीलिंग्स आने लगी, अनुभव आने लगे। तो खिड़कियों में जाली लगी हुई थी पर दरवाजा निरंतर बंद रखता था, खुला रहने पर चित्रा उसे पकड़कर खा जाएगी नवंगतु को। और उसकी शोध का परिणाम होता यह कि अनुमान करना कठिन नहीं है, वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है। बिल्ली का फेवरेट है चूहा, वैसे वो चूहा भी नहीं खाती है। अगर उसके साथ एक साथ बड़ा होने वाला कोई भी प्राणी हो तो वो नहीं खाती है। चूहों को तो वो खा सकती थी ना, फिर भी वो चूहों को भी नहीं खाती है। तो इसी तरह वो मोर का बच्चा बड़ा होते रहा था। परंतु यहाँ तो दो सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अंधकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, वो चित्रा समझती थी ये ऐरे गहरे कहाँ से आए लोग हैं, मेरी मेज को अपना सिंहासन बना रखा है, इस तरह की बातें वो सोचती थी। तो यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य, उसके लिए यह सहन करना बहुत ही कठिन था।
तो वो सोचती थी मेरे घर में ये नया मेहमान आके अपना राज जमा रहा है, ये कौन है, और मैं बाहर उसको देख रही हूँ, मुझे अंदर जाना नहीं दे रहा है, कोई भी मुझे अंदर जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसे अंदर रख रहे हैं, मेरे में इसको वो सिंहासन बना रही है, ये नए मेहमान कौन है, इसका तो खैर नहीं, इसका अगर ये बाहर निकलेगी ना इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। इस तरह का अनुभव चित्रा को था। पता है ना बच्चों, बिल्ली का नाम चित्रा है, और मोर जो नए मोर लाए थे उसका नाम क्या रखा था महादेवी वर्मा जी ने, नीलकंठ। महादेवी वर्मा जी ने चिड़ी मार से कितने चिड़े के बच्चे लाए थे, दो, एक मोर एक मोरनी, एक मोर और एक मोरनी, मोर का नाम क्या था, नीलकंठ था, और मोरनी का नाम रखा था राधा। जब उन्होंने महादेवी वर्मा जी के टेबल पर जब छोटी जो लाई थी, महादेवी वर्मा जी ने दुकान से खरीद के जब उनको लाई थी, तो उन्होंने अपना कमरा जो था पढ़ने लिखने वाला कमरा, उस कमरे पे यानी कि रूम में वो नए बच्चों को रखा था। तो वहाँ कितने दिन रहने के बाद उनकी जो डस्टबिन थी, यानी कि जो रद्दी कागजों को महादेवी वर्मा जी ने फेंका करते थे, उसी रद्दी टोकरी को उन्होंने अपना वसेरा कर लिया था, यानी कि वहाँ उनका बैठना था। इधर उधर दिन भर खेलते थे, कभी अलमारी के पीछे, कभी टेबल पर, कभी टेबल पर, कभी महादेवी वर्मा जी के माथे पर आके बैठ जाते थे। तो इस तरह का करते करते वो रात में वो रद्दी कागजों की टोकरी पे आके बैठ जाते थे। इसी तरह कितने दिन बीतने के बाद तो इनका जो तरकीब था वो उसी रूम से बाहर, महादेवी वर्मा जी की एक पालतू बिल्ली थी जिसका नाम था चित्रा, और चित्रा ये सब उन जो मोर मोरनी के बच्चे की तरकीब वो बाहर से देख रही थी, यानी कि उसको फॉलो कर रही थी कि मेरे घर में ये जो नए बच्चे आए हैं मुझे बाहर रख के, उसका सोच चित्र का, चित्रा सोचती है कि मेरे घर में मुझे बाहर निकाल के ये दो नए बच्चे को घर पे, चित्रा सोच रहे मेरे घर पे वो सिंहासन बना रहे हैं और मुझे बाहर रख दिया, इस तरह का फीलिंग्स चित्रा को था। तो होते हैं ना, मनुष्य को भी होता है, तो उसी तरह पशु पक्षियों को भी बहुत अच्छी तरह से महादेवी वर्मा जी ने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही रोचक तरीके से। तो इस तरह से जब मोर के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे और तब सहन नहीं किया, तो महादेवी वर्मा जी ने उस मोर मोरनी के बच्चे को जहाँ सभी चिड़िया रहा करते थे चिड़ियाघर में ले जाके उनको छोड़ दिया था। तो जब ये दो बच्चे चिड़ियाघर में पहुँचे तो बाकी जितने चिड़ियाघर में पशु पक्षियाँ थे सभी की हालत देखने लायक थी। जैसे होते हैं ना, नए दूल्हा दुल्हन जब घर पे आते हैं सभी बहुत ही रोचक तरीके से देखते हैं नए दूल्हा दुल्हन को, है ना, उसी तरह इस नए जोड़े को, मोर मोरनी के जोड़े को चिड़ियाघर के सभी पक्षियों ने बहुत ही रोचक तरीके से देखने लगे, उनका जो भाव देखने लायक थी। तो दोनों नवांगतों ने पहले से रहने वाले में से एक कौतूहल जगाया, जैसे नववधु वरवधु के आगमन पर परिवार की स्थिति कैसी होती है, नव वरवधु जब घर में आते हैं यानी कि नए दुल्हा दुल्हन जब घर में आते हैं तो घर की परिस्थिति कैसी होती है। तो उस नए घर का मतलब है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जब ये मोर मोरनी के बच्चे आ गए तो लक्का कबूतर, जो चिड़ियाघर में कबूतर था, वो कैसा करता था पता है, वो नाचने लगा, गुटर गु करने लगा, वो लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े उनके चारों ओर गुटर गुड़ करने लगे। वो लक्का कबूतर नाचता था, पर उसने क्या किया, वो नए जो मोर मोरनी के बच्चे थे उनके चारों तरफ गुटर गु करने लगा, मतलब शायद वो पूछ रहा है कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। इस तरह से होते हैं ना पशु पक्षियों में भी होते हैं, नए जो मेहमान आए हैं तो नए मेहमान का लक्का कबूतर ने इस तरह से स्वागत किया था। बड़े खरगोश सभा सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगा, और खरगोश निरीक्षण करने लगा, सोचने लगा ये कौन है, ये हमारे घर में ये नए मेहमान कौन आए हैं। इस तरह से खरगोश ने भी सोचने लगा। तो उनकी गेंद जैसे छोटे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, जैसे नए दुल्हा दुल्हन के चारों ओर छोटे छोटे बच्चे उछल कूद करते हैं ना, नए दुल्हा दुल्हन को देख के खुशी से
उसी तरह मोर मोरनी के बच्चे को देखकर ये खरगोश के ऊन के गेंद जैसे छोटे छोटे जो खरगोश हैं वो मोर मोरनी के चारों तरफ उछल कूद करने लगे, यानी कि खुशी, नए मेहमान आए हैं हमारे घर में, इस तरह से। तोते मानो भली बातें देखने के लिए एक आध बंक करके उनका परीक्षण करने लगा। तोता क्या था, तोता का एक्सप्रेशन, तोते की भाव कैसी थी, अनुभव कैसा था। तोता एक आंख बंद करके उन दोनों को देख रहा था। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जब महादेवी वर्मा जी ने मोर मोरनी के बच्चे को चिड़ियाघर में छोड़ आए, तब मानो ऐसा था चिड़ियाघर देखने लाए। सबकी हालत, सबकी अनुभव बहुत ही रोचक थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे और उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमश और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली बनना, जैसे बटरफ्लाई बनने से पहले बहुत सारे स्टेप पार होने लगते हैं, यानी कि अंडे, अंडे के बाद इल्ली, इल्ली के बाद और भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो उसको क्रॉस करने के बाद अंतिम में जाके बटरफ्लाई होके निकलते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ जो मोर मोरनी के बच्चे हैं उनका भी धीरे धीरे रंग बदलते गया, यानी कि उनकी जो कायाकल्प, काया मतलब शरीर है, कल्प मतलब रंग, उनके शरीर के रंग जब बढ़ते गए तो उनका रंग भी बदलते गया। मोर के सिर की कलगी, या सिर पे एक कलगी होती है जैसे मुर्गे मुर्गियों में भी होती है कलगी, पर मोर की कलगी बहुत ही सुंदर होती है, ऊंची तथा चमकीली हो गई, यानी कि जब बड़े होते गए, जवान होते गए, सुंदर होते गए, निखरते गए, जैसे मनुष्य भी जब बड़े होते हैं तो निखरते जाते हैं, उसी तरह मोर के बच्चे राधा और नीलकंठ भी निखरते गए। चोंच अधिक बंकिम और पेनी हो गई, जब बड़े होते गए ना उनकी चोंच जो है वो बंकिम यानी कि, और पेनी, पेनी का मतलब है तिखमा, यानी कि बहुत ही शार्प कहते हैं ना, शर्फ धार वैसी। बंकिम यानी कि टेढ़ी, बंकिम का मतलब है टेढ़ी, मैंने शब्दार्थ में कहा था थोड़ा स्लाइट बैंड होना। गोल आंखों में इंद्र नील की नीलाभ स्तुति झलकने लगी। आंखों में मोर की आंखें कहती है कैसे होती है, मोर की आंखें नील होती है, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगे। मोर की गर्दन देखे हो कभी आपने, मोर की गर्दन धूप छाए होते हैं, कभी नील सा दिखाई देता है तो कभी धूप छाँव सा दिखाई देता है। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन के स्पष्ट होने लगे। उनकी जो पंख होती है दक्षिण, दक्षिण बाम के दोनों पंखों में एक सलेटी और सफेद आलेखन, वाइट वाइट एक आलेखन बिंदु वो दिखाई देने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनकी जो पूंछ है मोर की पूंछ, मोरनी की पूंछ, वो धीरे धीरे लंबी होती गई। पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। पंखों पर चंद्रिकाओं यानी कि चंद्र का सेब जैसा स्ट्रक्चर होना वो दिखाई देता है, जब बड़े होते जाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह दिखाई देता है। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, मोर गर्दन हमेशा ऊंचा करता है और ऊंचा करके वो दिखता है। देखा है कभी आपने मोर, मोर मोरनी को आपने टीवी पे भी देखो या अभी कोई भी पिक्चर पे देखो, मोर की गर्दन बहुत ही लंबी होती है और इस तरह से। रंग रहित पैरों में गर्विली गति ने एक नई गरिमा करंजित कर दिया। उनके जो पैर होते हैं मोर मोरनी के वो रंग रहित यानी कि कोई रंग नहीं होता है पैरों में, और उनकी जब बड़े होते जाते हैं उनकी गति गर्विली होती है, गर्विली यानी कि गंभीर, गंभीर गति होती है। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीचे कर दाना चुनना। उनकी जब दाना चुनते हैं, जब दाना खाते हैं तो उनकी तरीका कुछ अलग होता है, नीचे कर दाना खाता है। और पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, वो जब कोई भी शब्द सुनेगा ना वो टेढ़ा कर लेता है गर्दन। गर्दन टेढ़ा करने से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कोई आवाज सुन रहा है। तो कितनी इंटरेस्टिंग है ना बच्चों, माधवी वर्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है, मोर आवाज किस तरह से सुनता है।
मोर जब आवाज़ सुनता है तो वो गर्दन टेढ़ी कर सुनता है। जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था, गति का चित्रण नहीं आका जा सकता था। गति का चित्रण कभी आका नहीं जाता है, इसीलिए महादेवी वर्मा जी कहते हैं मोरनी का विकास और मोर के विकास में चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपछाई गर्दन और हवा में चंचल कलगी, पंखों में श्यामसुत पत्र लिखा, मंथर गति आदि से वो मोर भी उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी कि मोर और मोरनी में महादेवी वर्मा जी ने मोर कैसा होता है, मोरनी कैसी होती है, जवान होने पर मोर कैसा होता है, जवान होने पर मोरनी कैसी होती है, इसका बहुत ही रोचक तरीका से एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है। तो अब आती हूँ मैं मोरनी, मोरनी कैसी होती है जवान होने पर। मोरनी का विकास जो ग्रोथ, वो मोर के समान तो इतना अट्रैक्टिव, इतनी सौंदर्यदायक तो होता नहीं है, फिर भी वो अपनी लंबी धूपछाई गर्दन हवा में चंचल कलगी और उनकी जो गति, चलने की गति होती है वो बहुत ही मंथर होती है, बहुत ही स्लो होती है, और पंखों में श्यामसुत यानी कि श्याम, श्याम रंग, श्याम मतलब नील रंग का, श्याम श्वेत नीला और वाइट रंग का कॉम्बिनेशन एक होता है, तो पत्र लिखा जैसे दिखाई देते हैं, मंथर गति होती है, मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देती है। वो मोर के साथ इस तरह से सहचारिणी यानी कि उनके साथ चलना, जहाँ कहीं भी गई तो उनके साथ जाती थी। मोर जहाँ भी जाता था मोरनी वहीं जाती थी। नीलकंठ यानी कि मोर का मतलब है नीलकंठ और मोरनी का मतलब है राधा, यानी कि उन दोनों का नाम, मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा था, और क्योंकि वो सहचारिणी थी, वो कभी भी मोर को अकेला छोड़ती नहीं थी। नीला ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया था नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया था राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि मुझे स्वयं ज्ञात या ज्ञात यानी कि मालूम यानी कि पता नहीं है कि नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। महादेवी वर्मा जी को पता ही नहीं चला मोर कब बड़ा हो गया। महादेवी वर्मा जी को ये पता नहीं था कि मोर कब बड़ा हो गया, और मोर खुद जितने भी चिड़ियाघर में पशु पक्षियाँ हैं सबका वो सेनापति हो गया था। यानी कि महादेवी वर्मा जी ने उनका अनुभव, सारे चिड़िया पशु पक्षियों के अनुभवों को देखकर उनको लगा कि मोर सेनापति है, और उनको सेनापति कब बन गया ये पता ही नहीं चला उनको।